नमस्कार दोस्तों, अभी एक्चुअली मेरी गाड़ी में कुछ समस्याएं चल रही थी। इसमें थोड़ा तो वाइब्रेशन की समस्या है और ये पूरा स्मूथ नहीं चल रही है और उसका एवरेज भी उतना प्रॉपर नहीं आ रहा है। तो जब मैं इस गाड़ी को दिखाने के लिए मैकेनिक के पास गया तो दोस्तों मैकेनिक ने बोला कि आप अपनी गाड़ी को ठीक कराइए, इसके लिए आपको इंजन खुलवाना पड़ेगा, इंजन की सफाई करानी पड़ेगी। और मेरी गाड़ी अभी ज़्यादा पुरानी भी नहीं थी, मुश्किल से 1 लाख से थोड़ा ज़्यादा चली हुई है। तो मुझे ऐसी कंडीशन में इंजन खुलवाना सही नहीं लगा, तो फिर मैं तलाश में था कि बिना इंजन खुलवाए मैं अपनी गाड़ी को कैसे ठीक करा सकता हूँ, कैसे साफ़ करा सकता हूँ। ये मैं सर्च ही कर रहा था तो मुझे कार डिटॉक्स के बारे में पता चला। मैंने वहाँ से नंबर निकाल के वेबसाइट से उनको कॉल किया तो उन्होंने मुझे बताया कि बिना किसी इंजन वगैरह को खोले हुए आप अपनी कार को डिटॉक्स करा सकते हैं बड़े इजीली। तो मैंने उनसे पूछा कि अभी मैं दिल्ली में हूँ तो यहाँ नियरेस्ट में आपका कोई सर्विस सेंटर या कोई ऐसा सेंटर है जहाँ पर जाके मैं अपनी गाड़ी को कराऊँ। तो उन्होंने मुझे एक नंबर दिया तो उस नंबर को लेके मैंने उनसे बात करी। तो आज मैं अपनी गाड़ी इसी सेंटर पे लेके आया हूँ, यहाँ पे मैं डिटॉक्स करूँगा। लेकिन यहाँ आने के बाद जस्ट मैंने इनसे कुछ बात करी कि कैसे डिटॉक्स करते हैं। मेरे मन में भी थोड़ा क्यूरियोसिटी थी, जानना चाहता था कि ये होता कैसे है, क्योंकि मैंने भी कभी नहीं देखा था। तो इन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे इनके पास एक मशीन है और उसी मशीन से ये गाड़ियों को डिटॉक्स करते हैं। और जब मैंने उनसे पूछा कि कितनी गाड़ियाँ एवरेजन आपके यहाँ आ जाती होंगी, तो उन्होंने बोला कि ये कुछ डिपेंड करता है कि कस्टमर के ऊपर। वैसे नॉर्मली देखा जाए तो 8 से 10 गाड़ियाँ तो बड़े आराम से आ ही जाती हैं, कभी कभी कम या ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो इनका जो चार्ज है वो लगभग 2500 इन्होंने मुझे बताया। और जब मैं मैकेनिक के पास गया था तो उसने बोला 18-20 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा। इतना खर्चा तो मैं बियर ही नहीं करना चाह रहा था और इंजन भी नहीं खुलवाना चाह रहा था। तो जो काम मेरा 20 हज़ार में हो रहा था वही काम मेरा 2-2500 में हो रहा है, वो भी बिना इंजन को खोले। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मेरे अंदर क्यूरियोसिटी भी पैदा हुई। तो मैं गाड़ी लेके आया हूँ यहाँ पे, अभी मैं अपनी गाड़ी को डिटॉक्स कराता हूँ और ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है ये भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन इसमें से एक बिजनेस आइडिया भी निकल के आया है दोस्तों, जैसे कि मैं आप लोगों को हमेशा वीडियोज़ में देता रहता हूँ, जो ये मशीन है अगर ये मशीन आप भी अपने यहाँ लगा लेते हैं तो आप भी काफ़ी अच्छा इसमें पैसा कमा सकते हैं दोस्तों। तो ये मशीन कैसे काम करती है, गाड़ियाँ कैसे डिटॉक्स होती हैं, टाइम कितना लगता है, वो सब आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और आखिर में मैं आपको लेके चलूँगा जब मेरी गाड़ी डिटॉक्स हो जाएगी उसके बाद जिस कंपनी ने ये मशीनें बनाई हैं उस कंपनी के अंदर, और वहाँ पूरा बिजनेस प्लान जानने की कोशिश करेंगे कि मशीन कैसी है और इसका मेंटेनेंस कैसा है, किस बजट की मशीन है, क्या क्या काम कर सकती है। तो वो सारे सवालों के जवाब भी आपको आज के वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप करके नहीं देखना, नहीं तो ज़रूरी जानकारी आपसे मिस हो जाएगी। तो ज़्यादा देर ना करते हुए पहले अपनी गाड़ी को डिटॉक्स कराते हैं, उसके बाद आपको कंपनी में लेके चलेंगे। कुछ इस तरह की मशीन होती है जो कि डिटॉक्स के लिए काम में ली जाती है। तो अभी सर मेरी गाड़ी डिटॉक्स करने वाले हैं, तो सर से ही मैं जानता हूँ ये मशीन के बारे में थोड़ा सा बताइए और गाड़ी को डिटॉक्स करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। सर सिंपली ये मशीन है जिसके अंदर हम ये इसका काम है हाइड्रोजन गैस बनाना। ये हाइड्रोजन गैस बना करके यहाँ इस पाइप के थ्रू ये बाहर निकलेगी और आपके इंजन के कम्बशन चैम्बर में जा करके 30 मिनट के लिए हम इसे इंजेक्ट करेंगे। अच्छा, बाकी सारा मशीन अपना सारा काम ऑटोमेटिक कर लेती है। जैसे हम गाड़ी के पास आए हम सबसे पहले चेक करेंगे कि गाड़ी जो आई है गाड़ी की कंडीशन क्या है, गाड़ी के अंदर इंजन ऑयल कैसे है। अंदर डाल करके इसमें अभी चेक करेंगे कि गाड़ी का इंजन ऑयल कितना है। इंजन ऑयल की कंडीशन सही है, इंजन ऑयल पूरा है बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हम चेक करेंगे एयर फिल्टर को, इसमें जाकर के हम देखते हैं कि ये देखिए एयर फिल्टर्स के अंदर कितना चोक होता है। इस एयर फिल्टर को साफ किया जाएगा साथ में मशीन का पाइप उठा करके, हम ये यहाँ से डालेंगे एयर फिल्टर से। अगर अभी आप देखेंगे तो इस गाड़ी के अंदर हमने कोई भी इंजन पार्ट को खोला नहीं है, किसी भी चीज़ को। इस पर कपड़ा लगा दिया जाएगा ताकि इसमें किसी भी प्रकार की हवा ना जाए। अब आप गाड़ी को स्टार्ट कर दीजिए। जैसा कि हम गाड़ी को स्टार्ट कर दिया गया है, ये देखिए यहाँ पर अब हमने मशीन को चालू कर दिया है। मशीन के ऊपर अगर आप देखेंगे जो हमारे एम्पेयर चल रहे हैं, ठीक है, ये मशीन के ऊपर हमने अभी एम्पेयर जो सेट कर दिए हैं, ये एम्पेयर हमने 7 पर सेट कर दिया है, ठीक है। ये एम्पेयर सेट हो गया आपका और अब यहाँ से ये मशीन कंटिन्यू चलेगी। ऊपर जो आपका आ रहा है वो वोल्ट आ रहे हैं, 239 वोल्ट आपके आ रहे हैं, ये एम्पेयर सेट हो गए हैं। इधर टाइमर है और हम बाहर की तरफ चलते हैं, ये मशीन ऑटोमेटिक हमने सेट कर दिया 30 मिनट के लिए। हम ये स्कैनर को अटैच कर रहे हैं गाड़ी के अंदर
और अभी आपको पता लग जाएगा कि गाड़ी की परफॉर्मेंस क्या चल रही है, गाड़ी कितने हिसाब से चल रही है, कितना क्या लोड है, वो सारी की सारी सेटिंग्स जो है हम स्कैनर के थ्रू आपको सारा दिखा देते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये सारी की सारी वैल्यूज आ गई हैं, अगर आप अभी चेक करेंगे, ठीक है, जो इंजन स्पीड चल रही है वैल्यू जो है वो स्कैन कर ली है। अब इसके अंदर काफ़ी चेंजेस आ गए हैं यहाँ पर इंजन लोड वगैरह और उन चीज़ों के। तो दोस्तों देखिए अभी हमारा टाइम हो चुका है, हमारी गाड़ी पूरी तरह से डिटॉक्स हो चुकी है। यहाँ पे जब स्टार्ट किया था तो यहाँ पे बबलिंग वगैरह हो रही थी, वो पूरा बंद हो गई है, और यहाँ पे हमारा टाइमर दिया गया था वो भी पूरा हो गया है। तो इस तरह से हमारी गाड़ी डिटॉक्स हो गई है। अभी हम इसको चेक करेंगे कि पहले से अब में क्या डिफरेंस आ गया है गाड़ी के अंदर। तो अभी चलाने में कोई दिक्कत नहीं आ रही, बड़ी स्मूथ गाड़ी चल रही है, और मेरी जितनी भी परेशानियाँ थी गाड़ी के अंदर सारी की सारी समस्याएँ ख़त्म हो चुकी हैं। अभी मैं गाड़ी को लेकर जाता हूँ सीधा कंपनी में, वहाँ पर मैं देखूँगा और सर से बात करूँगा कि अगर आप इस कंपनी के साथ जुड़ के ये मशीन खरीद के अपना खुद का बिजनेस शुरू करते हैं तो आप कितना पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों गाड़ी अपनी रेडी कराने के बाद हम कंपनी की ऑफिस की तरफ आ गए हैं। तो दोस्तों यही सामने ही कंपनी का ऑफिस है, आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है इंजन डिटॉक्स। कंपनी के अंदर हम आ चुके हैं और जो मशीन आपको वहाँ दिखाई थी वो ये मशीन है, यहाँ पर रखी हुई है। अभी मैं आपको सर की ऑफिस में लेके चलूँगा, वहाँ सर से डिटेल से जानते हैं कि अगर आप इस मशीन को खरीद लेते हैं तो आप कितना पैसा कमाएंगे, साथ ही साथ कंपनी की तरफ से आपको क्या क्या सपोर्ट मिलने वाला है। तो सर सबसे पहले तो मैं आपके और आपकी कंपनी के बारे में जानना चाहूँगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय सैनी है और आज आप सभी का मैं अपनी कंपनी हाइड्रोटेक के अंदर आपका स्वागत करता हूँ, जिसका हमारा ब्रांड नेम जो है वो इंजन डिटॉक्स के नाम से है। कि ये टेक्नोलॉजी जो आपकी है वो आप कितने टाइम पहले मार्केट में लेके आए, कितना टाइम हुआ है आपको, और अभी तक कंपनी ने क्या क्या अचीवमेंट जो है जो अचीव किए हैं। 2011 से हम इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं। इंडिया में फर्स्टली हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी को हमारी कंपनी ने ही इंट्रोड्यूस किया था। आज के दिन हम काफी सक्सेसफुल अलग अलग प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। आज हमारे पास 8 से ज्यादा अवार्ड हमें मिल चुके हैं। बेस्ट मैन्युफैक्चरर का अवार्ड है, एंटरप्रेन्योरशिप का अवार्ड हमारे पास है। हमारा प्रोडक्ट आज के दिन मैं आपको प्राउडली ये बात कहना चाहूंगा कि 15 कंट्रीज के 15 देशों के अंदर हम मेक इन इंडिया प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया के अंदर हमारे 1500 प्लस सेंटर हो चुके हैं जो लोग हमारे साथ जुड़ के काम कर रहे हैं। हमारा प्रोडक्ट हमने इतना डेवलप कर लिया है कि उसको भारत जो हमारी लैब्स वगैरह है हमने उससे भी सर्टिफाइड कराया हुआ है। तो आपके साथ इतने सारे लोग जुड़े हैं तो वो पैसा भी कमा रहे हैं, तो क्या मैं कुछ लोगों के नाम जान सकता हूँ जो आपके साथ ऑलरेडी जुड़ के पैसा कमा रहे हैं? अगर बात करें टॉप अर्नर्स की तो हमारे पास, मैं नीचे से शुरू हो जाता हूँ, तमिलनाडु से हमारे पास शेख जी है, आपका कर्नाटक से हमारे पास यासीन है, शंकर है, आपका महाराष्ट्र से हमारे पास ओम जी है, निशांत है, समीर जी हैं। आप ऊपर आ जाइए, इधर अगर एमपी में बात करें तो हमारे बलवंत जी है, झारखंड से अगर बात करें तो हमारे प्रताप जी हैं। तो बहुत सारी जगह है जहाँ पर हमारे साथ बहुत अच्छे, गुजरात से अगर बात की जाए तो हमारे तरपेश भाई हैं, कल्पेश भाई हैं, जो काफ़ी अच्छे लेवल पर काम कर रहे हैं। नॉर्थ में अगर मैं बात करूं तो हमारे एनसीआर जोन के अंदर हमारे सुमित हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया है, जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक हर जगह लगभग हमारे पास टॉप अर्नर्स अवेलेबल हैं जिन लोगों ने काफ़ी अच्छा बिजनेस किया है। तो सर आपने जो ये टेक्नोलॉजी इनोवेट की है तो ज़्यादातर मैंने देखा है कि जब भी कोई इनोवेशन होता है तो किसी न किसी समस्या का सॉल्यूशन होता है वो, तो आपने ऐसी कौन सी समस्या देखी मार्केट में जिसका आप सॉल्यूशन लेके मार्केट में आए, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर आपके पास कौन सी गाड़ी है? मेरे पास क्रेटा है। क्रेटा है आपकी? क्रेटा सर कितनी चल गई है? 1 लाख से ज़्यादा है, थोड़ा 1 लाख से ज्यादा, 1.25 लाख चल गया है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप उसकी सर्विसिंग वगैरह बिल्कुल प्रॉपर टाइम से कराते हैं? मैं पूरा टाइम पे सब कुछ कराता हूँ। सब कुछ टाइम पे करा रहे हैं क्या? आपकी गाड़ी आज भी वही परफॉर्मेंस दे रही है जो पहले दे रही थी? नहीं, परफॉर्मेंस तो डाउन हुई है उसकी, पहले एवरेज नहीं रही है। एवरेज टाइम हो गई है, बिल्कुल बिल्कुल, गाड़ी भारीपन आना शुरू हो गया है। हाँ, बिल्कुल, गाड़ी में वो पिकअप नहीं है जो स्मूथनेस आप पहले फील करते हैं। वो बात अब नहीं रही है सर, ये प्रॉब्लम हर गाड़ी में आती है। आपने मैकेनिक से बात की इसको लेकर? इंजेक्टर वगैरह के बारे में कुछ बोल रहे थे, ये आपको कराना और उन्होंने बोला होगा तो इंजेक्टर या फिर रीजियर को साफ कराइए। लेकिन बहुत सारे लोग ये कराने के बाद भी ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती है, क्योंकि होता है सर इसका प्रिंसिपल ही ऐसा है, यही समस्या है जो बाइक से लेकर के ट्रक बस कोई भी आप डीजल पेट्रोल एलपीजी जो भी हमारा इंजन हाइड्रोकार्बन फ्यूल से चल रहा है उन सब गाड़ियों में ये प्रॉब्लम आती ही आती है। और सर इसको ये प्रॉब्लम आती है बेसिकली कार्बन की वजह से। अच्छा। क्योंकि पेट्रोल डीजल जलेगा, कार्बन तो पैदा होगा ही होगा। अब होता क्या है कि वो गाड़ी के कंबशन चैम्बर के अंदर जैसे पेट्रोल डीजल जलता है धीरे धीरे करके वो गाड़ी के बाहर भी निकलता है साइलेंसर से, कुछ गाड़ी के अंदर भी जमा होना शुरू हो जाता है। तो हर इंजन का एक रेशियो रहता है कि इतनी ऑक्सीजन होनी चाहिए, इतना फ्यूल होना चाहिए। जब कार्बन बढ़ना शुरू होता है तो इंजन हवा को खींचता है,
अब वो उतनी ही इंजन ऑक्सीजन सक कर पाएगा जितनी उसमें जगह होगी। ये सिंपल सा लॉजिक है। जैसे जैसे कार्बन बढ़ता है तो कार्बन की वजह से ऑक्सीजन पूरी नहीं मिल पाती, जिससे गाड़ी का पिकअप डाउन होता है। सबसे पहले गाड़ी की स्मूथनेस चली जाती है, कार्बन ज़्यादा आने की वजह से पेट्रोल पूरा जल नहीं रहा है, गाड़ी में साउंड प्रॉब्लम होती है, गाड़ी में वाइब्रेशन प्रॉब्लम होती है, मिसिंग मारना शुरू करती है, हीटिंग, ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं जो गाड़ी में आना शुरू हो जाती है और इनका कोई इलाज नहीं है। अच्छा, अगर आप मैकेनिक से जाके बोलोगे तो मैकेनिक भी आपको यही बोलेगा कि यार अब आपकी गाड़ी पुरानी हो गई है और जब तक है इसको चलाओ, वरना इसको खोल के साफ कराओ। हाँ, वो यही बोला था, उसमें खर्चा भी ज्यादा आ रहा था सर। हाँ, अब नई गाड़ी का इंजन, आप नई आपकी लाख चली हुई गाड़ी का इंजन खुलवा लोगे? नहीं, कोई नहीं खुलवाता, कोई भी नहीं खुलवाता। दूसरी बात, खुलवाने जाएगा तो वहां पर खर्चा भी बहुत ज्यादा आता है, बहुत सारा वो होता है। इसी वजह से हम इस चीज को बर्दाश्त करते हैं, इस चीज का कोई सोल्यूशन नहीं है हमारे पास। अच्छा, लेकिन अब हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर के आए हैं जिससे अगर आप अपनी गाड़ी को डिटॉक्स कराते हैं तो आपकी गाड़ी की स्मूथनेस वापस आ जाती है। जितना कार्बन बढ़ता रहेगा गाड़ी में उतनी ज्यादा दिक्कत आनी शुरू होती है। अब गाड़ी के इनसाइड जो इंजन में प्रॉब्लम आती है वो शुरू ही कार्बन से होती है। अगर कार्बन नहीं है तो इंजन में 90% प्रॉब्लम वैसे ही नहीं हो पाती। तो कार्बन एक बहुत बड़ी समस्या है, उसका समाधान करने के लिए हमारी मशीन जो है वो हाइड्रोजन बेस्ड टेक्नोलॉजी पर काम करती है। हम मशीन से हाइड्रोजन बनाते हैं, पानी से हाइड्रोजन बनाते हैं। हाइड्रोजन को हम एयर फिल्टर के थ्रू गाड़ी के कंबशन चैम्बर में 30 मिनट तक जलाते हैं। जब वो 30 मिनट वहां पर जलती है तो वो जला करके कार्बन को साइलेंसर के थ्रू बाहर निकाल देती है। अच्छा। जिससे जैसे ही कार्बन बाहर निकला तो क्या होगा, गाड़ी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया। हाँ। गाड़ी में जैसे ही ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा सबसे पहले गाड़ी पिकअप राइज करेगी, क्योंकि फ्यूल कंजप्शन जो है पूरी हो जाएगी, गाड़ी माइलेज इंक्रीज करेगी, गाड़ी का साउंड हाथों हाथ हल्का हो जाएगा, गाड़ी की वाइब्रेशन खत्म हो जाएगी, गाड़ी में मिसिंग इग्निशन की जो प्रॉब्लम्स है प्री इग्निशन की वो सारी खत्म हो जाती है। तो सर डिटॉक्स बेसिकली ये है। अच्छा। और अब बात करते हैं सर फ्यूचर की, तो लास्ट ईयर का अगर आप लास्ट 5 ईयर्स का आंकड़ा उठाते हैं तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इंडिया के अंदर 5 करोड़ से ज्यादा व्हीकल्स के रजिस्ट्रेशन हुए हैं। ये तो मैं सिर्फ आपको वो बता रहा हूँ जो इसमें मिड असाइनमेंट में आते हैं, उसके बाद कमर्शियल अलग है, बहुत सारे अलग है। अगर आप गूगल जाके सर्च करोगे तो आपको पता लगेगा कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कितनी तेजी से बढ़ रही है। सर अब गाड़ियां आ रही हैं तो गाड़ियां साफ भी होगी, इंजन आ रही है तो अब जब मार्केट में गाड़ियां आ रही है इंजन आ रही है तो उनकी केयर भी होगी। तो फ्यूचर के हिसाब से बात करूं सर, आज के दिन आप मुझे बता दीजिए कितना व्हीकल ऑन रोड चल रहा है? उसके बाद हैवी व्हीकल्स भी है। अब कोई ट्रक चला रहा था उसके घर में बाइक भी मिलेगी, गाड़ी भी मिलेगी। तो क्या है कि आज के दिन अगर आप देखो तो मार्केट में गाड़ियां बहुत ज्यादा है, और ये सर एक न्यू टेक्नोलॉजी है, अभी लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। जितनी ज्यादा आप इस चीज बिजनेस के अंदर आप एंटर करते हो और इसको आप तरीके से करते हो तो सर स्कोप ही स्कोप है, इससे अच्छा स्कोप और क्या चाहिए आपको? गाड़ियों को आप इजीली डिटॉक्स कर देते हैं और कम टाइम के अंदर और कम बजट के अंदर। तो गाड़ियां तो ये मशीन आने से पहले या फिर आपकी ये टेक्नोलॉजी आने से पहले भी डिटॉक्स होती होगी, तो उस वक्त कैसे होती थी? सर देखिए, ऐसा नहीं है कि हम ही गाड़ियों को डिटॉक्स करना शुरू किया या कार्बन, इससे पहले भी काफी कंपनीज ने करना शुरू किया है। केमिकल बेस भी कुछ चीजें आई थी, लेकिन वो क्या हुआ कि वो केमिकल जैसे नाम से ही हो गया तो वो इनसाइड इंजन में उन्होंने नुकसान करना शुरू कर दिया था। उसके अलावा अब एक ट्रेडिशनल जो मेथड है वो वही है कि आप इंजन को खोल के साफ करा लीजिए, बट वो बहुत कॉस्टली पड़ता है आपको, करीबन 20-22 हज़ार का गाड़ी की वैल्यू डाउन होती है। उसके लिए तो कोई जाता ही नहीं है ज्यादा, तो उसको तो आप भूल ही जाओ उस चीज को। तो अब यहाँ पर क्या इस टेक्नोलॉजी में खास बात यह है कि ये जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो बिना इंजन को खोले इंजन को अंदर से साफ कर देती है। अच्छा। जो गाड़ी के पिस्टन वॉल्व वगैरह के हेड गैस जो कंप्लीट कंबशन चैम्बर है वो सारे को क्लीन करती है वहां से। सर हमारे व्यूअर ये जान चुके हैं कि गाड़ियां होती हैं डिटॉक्स हो जाती हैं बड़ी इजीली, टेक्नोलॉजी आ चुकी है मार्केट में। अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनका माइंडसेट हो गया है कि मुझे ये बिजनेस करना है, क्योंकि जो जो नए बिजनेस होते हैं उनमें पैसा कमाने के चांस भी काफी ज्यादा रहते हैं। तो अगर वो ये बिजनेस शुरू करना चाहते हैं आपके साथ मिलकर तो क्या प्रोसेस रहने वाला है? सर बिल्कुल, जो लोग हमारे साथ काम शुरू करना चाहते हैं वो आपके माध्यम से हम अवेलेबल हैं, वो हमसे मशीन परचेज़ करें, मशीन परचेज़ करके वो अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। हमारे पास जो मशीनें हैं वो अलग अलग वेरिएंट में हैं। अच्छा। हमारी जो इन्वेस्टमेंट है लागत शुरुआती वो 2.5 लाख प्लस GST से हमारी मशीन शुरू हो जाती है, उसके बाद में 3 लाख की।
भी होगा इस बिजनेस के बारे में, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो कि पहली बार सुन रहे होंगे इस टेक्नोलॉजी के बारे में। अगर वो आपके साथ जुड़ के मशीन खरीद लेते हैं और नया अपना बिजनेस शुरू करते हैं, तो अभी उनको ये नहीं पता है कि हमें बिजनेस कैसे करना है, हम कहाँ कहाँ जाएं जिससे कि हमारा जो क्लाइंट है ना वो हमें इजीली मिल जाए, और कौन कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें कंपनी का क्या सपोर्ट रहता है, क्या रोल रहता है, उनको कंपनी की तरफ से क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है? सर देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमें भी एक बात पता है और हम इस चीज़ में बिलीव करते हैं बहुत स्ट्रांगली कि सर मशीन खरीदने से पैसा नहीं आता, बिल्कुल मशीन चलाने से पैसा आता है। अब बात आती है जो आपने मुझसे सवाल किया कि नए लोगों को, हमारे देश के अंदर बहुत सारे लोगों को बिजनेस करना नहीं आता है। लोग बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस सब करना चाहते हैं, लेकिन बिजनेस के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिनको वो फॉलो नहीं कर पाते। उसका रीजन क्या है कि वो लोग बिजनेस फैमिली बैकग्राउंड से नहीं आते, कोई जॉब से है, कोई एग्रीकल्चर से आया है, उसको पता ही नहीं है कि मार्केट में बिजनेस को कैसे करना है। तो वहां पर जो हमारी तरफ से सपोर्ट रहता है, हमारी कंपनी एज ए बिजनेस कंसल्टेंट आपके साथ काम करती है, आपको कैसे लोगों से बात करनी है, आपका मार्केट आपको कैसे करनी है, वो सब कुछ आपको स्टेप टू स्टेप गाइड किया जाता है। इवन जो हमारी स्पेशलिटी है, जो हमारी लाइन में नहीं, हमने काफी वो चीज मार्केट स्टडी किया है, हम अपने जब पूरी मार्केट स्टडी करने के बाद हमें पता लगा कि लोगों को बिजनेस चलाने में हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो उसके अंदर हमने क्या करना शुरू किया है कि हम आपको इनिशियल 3 मंथ में अपनी तरफ से मार्केटिंग सपोर्ट करते हैं। आपका कंटेंट हम डिजाइन करके देंगे, आपका फ्लैक्स से लेकर के विजिटिंग कार्ड तक सब कंपनी डिजाइन करके आपको देगी, आपको सिर्फ प्रिंट आउट निकालना है। उसके बाद आपके लिए वीडियोस हो गए, जैसे स्टोरी वीडियोस हैं, एजुकेशनल वीडियोस हैं, बिजनेस प्रमोशन वीडियोस हैं, वो सब कंपनी आपको बना करके देगी। आपका काम है सिर्फ उसे फैलाने का। बिल्कुल, मार्केटिंग कैसे करना है उसमें पूरा सपोर्ट रहता है। बिल्कुल सर, उसके बाद में आपको अपने वीडियोस कैसे बना करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालने हैं, आपको कैसे इंटरनेट की दुनिया में लेकर के आना, तो ये सब चीजों की हेल्प आपको कंपनी की तरफ से मिलेगी। अच्छा, कोई ट्रेनिंग वगैरह नहीं रहता आपकी तरफ से उनको, जैसे कि उनको इजीली पता चले कि मशीन कैसे ऑपरेट करना है? बिल्कुल सर रहता है, ये तो हमारी स्पेशलिटी है। विदाउट ट्रेनिंग सेशन तो आप मशीन ऑपरेट ही नहीं कर सकते। और हमारी तो मशीन वैसे ही एडवांस टेक्नोलॉजी पे है, उसके अंदर तो पूरी डाटा स्कैनिंग भी होती है। तो उसमें क्या होता है सर, आपका पूरा प्रॉपर ट्रेनिंग चैनल हमारा रहता है, पूरी ट्रेनिंग आपको मिलती है। ट्रेनिंग मिलने के बाद आपको मशीन चलाना आ गया कि मशीन से काम ऐसे ऐसे होता है। उसके बाद हमारा एक पार्ट और रहता है जिसमें अभी आपको मैंने बताया कि बिजनेस कंसल्टेंसी का, कि आपको बिजनेस कैसे करना है उस चीज को लेकर के भी हम आपके साथ जुड़े रहते हैं। क्लाइंट ने आपसे कोई ऐसा सवाल पूछ लिया टेक्नोलॉजी के बारे में, आपको नहीं पता है, आपको नहीं पता, आप हमसे पूछिए। आपको बिजनेस से रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम आती है, कंपनी 24 आवर्स आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है। ये मान लीजिए कोई बिजनेस शुरू कर लेता है तो वो पैसा कितना कमाएगा, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताइए, और आरओआई जो है ना वो कितने टाइम में आएगी? सर बिल्कुल, इसके बारे में अगर हम बात करें तो मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। अभी आप अपनी गाड़ी क्रेटा करा के आए हैं, आपको अपनी गाड़ी में डिफरेंस नजर आ रहा है? हाँ बिल्कुल आ रहा है। आपको तसल्ली है कि आपका अच्छा काम हुआ है? बिल्कुल है, क्योंकि मैंने जब अपनी मैकेनिक को दिखाई थी तो उसने बोला था कि 20 से 22 हजार रुपए का खर्चा आएगा, इंजन वगैरह खोलना पड़ेगा, जो कि मैं नहीं चाहता था। और यहाँ पे मैंने इसको कराया तो मुझसे 2400 रुपए लिए, और मेरा देखिए इसमें टाइम भी बचा, मुश्किल से आधा घंटा लगा मुझे, और मेरी गाड़ी भी पूरी तरह से डिटॉक्स हो गई और मेरे पैसे भी बचे। तो अब आप 2400 रुपए दे करके आए हैं, 2400 दिए ना आपने, बिल्कुल, तो आप इसी के ऊपर कैलकुलेशन कर लेते हैं सर। अगर 2400 रुपए दे करके आप 30 मिनट में आए हैं, अगर आदमी दिन की 2 गाड़ियां भी कर रहा है, ठीक है, और मैं 5000 रुपए की कैलकुलेशन से लेकर के चलते हैं, 5 छोड़िए सर, 4 पे आ जाइए, 5 को ही लेकर के चलते हैं, और 2 घंटे काम करता है तो 10000 रुपया हो गया, लेकिन हम 5 पर ही कैलकुलेशन करके चलते हैं कि आप दिन के 5000 रुपया करते हैं, तो महीने का 30 दिन से अगर हम गुना करें 5000 को, तो करीबन 1.5 लाख रुपया आपका हो गया, जिसमें से 4 दिन की अगर हम छुट्टी निकाल देते हैं तो भी 10000 रुपये का हम साइड में कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि किसी दिन गाड़ियाँ ऊपर नीचे भी होगी। जब 10000 रुपये घटाने के बाद भी आपका 41 बचता है, उसमें से आप 50-60 हजार रुपये खर्चा निकाल दीजिए, लड़के की सैलरी, दुकान का रेंट वेंट सारा सब कुछ निकाल दीजिए, तो भी आप 80 से 90 हजार रुपये महीने का कमा रहे हैं, आराम से कमा सकते हैं, है क्या नहीं? अब आप भी समझदार है और ऑडियंस भी समझदार है कि आरओआई का जो रेशियो है, मुझे लगता है। और हमारे साथ बहुत सारे लोग ऐसे हैं सर जिन्होंने पॉसिबल करके दिखाया है, महीने महीने भर में ये चीजें करके दिखाई हैं। जैसे कि मैं आया था तो आपने बताया था कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो लाखों में भी कमा रहे हैं आपके साथ। सर बिल्कुल है, मैंने जो आपने नंबर दिया था मैंने उनसे बात भी करके देखी थी, तो मुझे लगता है जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लाखों भी कमाएंगे, लेकिन अगर आप इनिशियल स्टेज में करते हैं तो आपको भले ही 1-2 लोग मिल रहे हैं, 5000 रुपए भी कम नहीं होता है डेली का, और इसमें आपकी लागत भी कोई ज्यादा नहीं आती है। हालांकि मैं वो लागत के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, जब भी आप कंपनी में कॉल करोगे तो आपको पूरा डिटेल से यहां बता दिया जाएगा। तो अभी एक चीज और मुझे बताइए सर, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए क्या कोई लाइसेंस वगैरह की जरूरत रहती है?
नहीं सर, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको किसी भी तरह के लाइसेंस वगैरह की जरूरत नहीं है। आप आराम से मशीन परचेज करके अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। बिजनेस को करने के लिए क्या क्या मार्केटिंग चाहिए, क्या क्या चीजें चाहिए, वो सारा सपोर्ट हम आपको कर ही रहे हैं, जो कि हमने आपको अभी भी बताया था पहले भी, तो वो पूरा का पूरा हमारा आपके साथ रहता है। लोगों से किस तरीके से जाके मिलना है, उसके अलावा अगर आपको कोई प्रपोजल अगर आपको चाहिए या कुछ ऐसी चीज है जो आपको मार्केट में डालना है या ब्रोशर वगैरह आप निकल, तो कंपनी आपके साथ एज ए बिजनेस कंसल्टेंट काम कर रही है। कोई इस तरह की प्रॉब्लम अगर आपको आती है, आप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है या फिर आपको नहीं बनाना आ रहा, बात पढ़े लिखे की नहीं है कि प्रेजेंटेशन देना नहीं आ रहा, नहीं बनाना आ रहा, तो आप हमसे बात कर सकते हैं, हम आपको वो चीज बना करके दे देंगे। बिल्कुल, ज्यादातर लोगों को नहीं आता है कि हमें प्रेजेंट कैसे करना है, लोगों के सामने कैसे पिच करना है, अपने सर्विस के बारे में कैसे बताना है। हाँ बिल्कुल सर, ये तो हमने स्टडी किया, ये चीज तो बहुत आती है। कंपनी उनको पूरा सपोर्ट करती होगी। हाँ, यहाँ पर कंपनी पूरा सपोर्ट करती है और यही हमारी स्पेशलिटी है सर। हमारा बिलीव है कि मशीन बेचने से नहीं, क्लाइंट के मशीन बनने से पैसे, चलने से पैसे आते हैं। ठीक है, जब वो मशीन चलाता है तो पैसा ज्यादा आता है। बिल्कुल, तो मशीन की जैसे हमने बात करी अभी, तो किसी ने आपसे मशीन खरीद ली, काम शुरू कर लिया, तो क्या आपकी इस मशीन पे कोई गारंटी वारंटी ऐसा कुछ मिलता है? बिल्कुल सर, 2 साल के अंदर, 2 साल तक कोई भी अगर आपको परेशानी होती है मशीन को लेकर के, तो कंपनी उसको ठीक करके देगी और आपको डोर स्टेप डिलीवरी मिलेगी, कहीं पर आपको मशीन लेके जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इस मशीन को चलाने के लिए बिजली की भी जरूरत रहती होगी? हाँ सर, बिजली से ही ऑपरेट होती है। कनेक्शन चाहिए, सिंगल फेस कनेक्शन चाहिए, कोई ज्यादा वो नहीं चाहिए इसके लिए। दोस्तों, अभी आपने देखा कि हमने आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश की कि अगर आप इस कंपनी के साथ मिलकर अपना बिजनेस शुरू करते हैं तो सारा का सारा सपोर्ट कंपनी की तरफ से आपको मिल जाता है। वैसे तो आज के वीडियो में हमने आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश की, फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी मिस हुई है तो आप वीडियो की स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको एक शानदार वीडियो देखने को मिला होगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।